क्या अब इंडिया को इंडिया नाम से नहीं बल्कि भारत के नाम से जाना जाएगा? इंडिया या भारत, अब इंडिया बनाम भारत बन गया है। इन नामों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अभी भारत सरकार ने G20 सम्मेलन के अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम से निमंत्रण भेजा तो उसमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया। सत्ता पक्ष के नेताओं ने जहां इस कदम की सराहना की, वहीं विपक्षी गठबंधन ने इसे देश को तोड़ने वाला कदम बताया। अब बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में भाग 1 के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया इस भाषा को लिखा है, यानी कि भारत ही इंडिया है और भारत तथा इंडिया एक ही है। लेकिन नेताओं को तो राजनीति के लिए मुद्दा चाहिए। एक निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो क्यों सत्तारूढ़ पार्टी BJP इंडिया नाम से दूरी बना रही है, जब से विपक्षी INDIA गठबंधन ने खुद को इंडिया नाम दिया है। जब से BJP सत्ता में आई है, उन्होंने इंडिया नाम से कई योजनाएं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये योजनाएं चलाई है। क्या तब सरकार भारत और इंडिया को एक ही मानती थी? लेकिन अब नहीं, क्योंकि विपक्षी गठबंधन खुद को इंडिया कहता है। इसलिए क्या अब संविधान में भी इंडिया शब्द हटाया जाएगा? भारत की विश्व में पहचान जितनी इंडिया नाम से है और भारत नाम से भी उतनी है, लेकिन ये राजनीति है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन INDIA खुद को इंडिया बताता है, तो फिर इंडिया और भारत तो एक ही है, इसलिए भारत नाम से क्यों परेशानी होती है गठबंधन को? क्या इसलिए परेशानी होती है कि उन्होंने खुद को इंडिया माना है और सत्ता पक्ष BJP इंडिया को भारत मान रहा है? इस मुद्दे को राजनेता केवल राजनीतिक रंग दे रहे हैं।